मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया। ये मेरी कहानी है। 1999 के शरद ऋतु के आते आते कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला था। राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था और किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं रह गया था। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे हुए थे। हर वो शख्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था। उसको मारना जिहाद था और पुण्य भी। प्रमुख कश्मीरी पंडितों को पहले से निशाना बनाकर मारा जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता टीकालाल टप्लू को सरेआम दिन दहाड़े श्रीनगर में मारा गया। नीलकंठ गंजू को करनगर में मार दिया गया और उनका शव सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा। वकील प्रेमनाथ भट्ट की बेरहमी से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में हत्या की गई। अनगिनत अज्ञात पंडितों की निर्मम हत्याएं की गई। संदेश स्पष्ट था। 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब समाचार पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके सभी हिंदुओं से घाटी छोड़ने के लिए कहा। एक अन्य समाचार पत्र अलसफा में भी यही प्रेस विज्ञप्ति छपी। जल्द ही यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर चिपका दिए गए। 19 जनवरी 1990 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहण लगा मानो अंधेरे ने प्रकाश को अपने आगोश में निगल लिया हो। कश्मीर के हर कोने से, हर नुक्कड़ से, हर सड़क से, हर बाजार, हर गांव से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सड़कों पर उतरकर जहरीले नारों में उद्वेश कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था ना देखा गया था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ए जालिमो, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। अब हमारे डर ने एक नया रूप ले लिया था। परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया, ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड़ हमला करे तो वो स्वयं को आग लगा ले। उस रात के डर का कोई सानी नहीं, मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। संदेश स्पष्ट और तीव्र था। रलिव गलिव या चलिव, या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। कोई ऐसा गांव, मोहल्ला, गली या जगह नहीं थी जहां इन नारों का शोर ना हो। अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने इन विपरीत परिस्थितियों में वो जो कुछ भी उनके साथ सामान और जान बचाने के लिए हो सकता था किया और किसी तरह जान और मान बचाकर ट्रकों के तरपाल में छुपकर, बसों एवं किराए की टैक्सी भरकर भाग गए। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। सरकार, बुद्धिजीवियों, निरपेक्षवादियों, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले सबकी अंतरात्मा सोने चली गई थी। कोई भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं था। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतहा होने लगी थी। बांदीपुरा में शिक्षिका गिरिराज टिक्कू की गैंग रेप के बाद हत्या की गई, इस तरह की सैकड़ों खबरें आम हो रही थी। इस पर पूरी किताबें लिखी जा सकती है कि किस प्रकार से लोग आतंकवादियों से प्रताड़ित हो रहे थे और किस तरह प्रशासन मूक दर्शक बनकर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा कर रहा था। 1991 तक ज्यादातर पंडित घाटी से पलायन कर गए और उन्हें जम्मू के दुर्गम स्थानों में कांटों व धूल भरे टेंट शिविरों में रखा गया। 60,000 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया और उनको ऐसे शिविरों में रखा गया जहां शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। एक परिवार को एक टेंट अलॉट किया गया जिसमें 10-10 सदस्य कभी कभी साथ ही सोते थे। निजता का नितांत अभाव था। इन शिविरों में काफी बड़ी तादाद में बीमारी से मौतें भी हुई।
ज्यादातर मौतें सांप के काटने और अत्यधिक गर्मी के कारण हुई। कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पंडितों के हजारों घरों सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढा दिया गया था। ये सब एक बहुसांस्कृतिक धर्म निरपेक्ष भारत में हो रहा था। जो पंडितों की छोटी संख्या अभी भी घाटी में रह रही थी उनके साथ नरसंहार किए गए थे। आतंकवादियों ने 2 महीने के बच्चों को भी नहीं बख्शा। पंडित के पूरे गांव को साफ कर दिया गया। आज तक एक भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया गया। हजारों पंडितों की हत्या व नरसंहार की सजा तो दूर की कौड़ी है। किसी ने इस नरसंहार और पलायन पर कोई इस प्रकार की चिंता प्रदर्शित नहीं की। हमारे घर सूने पड़े हैं, मंदिर अपवित्र है, सब कुछ ढहने को है। 26 साल के बाद आज भी जम्मू के बाहरी इलाके में अपने देश में शरणार्थी के रूप में कश्मीरी पंडित अभी भी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं और जहां उन्हें ज्यादा सहायता भी नहीं दी जा रही है। आज की सोशल मीडिया की पीढ़ी में जब दुनिया में गरीबी बढ़ रही है और लगभग सब कुछ उंगली की टिप पर उपलब्ध हो रहा है, तब भी हमारे अपने देश के नागरिकों की उनकी अपने देश में ही दुर्दशा बनी रहती है और उन्हें उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस सब के बावजूद मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जय हिंद।